बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनते ही रिश्तों पर से यकीन उठ जाएगा। मामला पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र का है, जहां अपने फुफेरे भाई ने मेरे भाई का पहले अपहरण करवाया और फिर उसकी हत्या कर दी। कहानी सत्यम नाम की युवक की है, जो अपने फुफेरा भाई राजीव कुमार के साथ राजीव नगर के रोड नंबर 23 में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसी बीच राजीव ने सत्यम का पहले अपहरण 28 अगस्त को करवाया और उसी दिन उसकी हत्या कर दी। अपहरण और हत्या के बाद राजीव ने अपने भाई सत्यम के शव को पुनपुन नदी में फेंक दिया। राजीव यहीं नहीं रुका, उसने हत्या करने के बाद सत्यम के परिवार से 25 लाख रुपयों की फिरौती भी मांगी। 20 अगस्त को राजीवनगर थाना में एक मामला आया था फिरौती हेतु अपहरण पर। इस संबंध में मामला दर्ज कर एसएसपी मैम द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके एसएसपी मंत्री जिसके नेतृत्व कर रहे थे, और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एसएचओ राजीव नगर और एसआईटी की टीम इसमें शामिल थी। इसमें त्वरित गति से फिर कार्रवाई की गई और गुप्त सूचना के आधार पर इस केस का उद्भेदन हुआ है। इंटरेस्टिंगली इस केस में जो कंप्लेनेंट है उन्हीं की संलिप्तता इसमें आई है, और इसी क्रम में गिरफ्तारी की गई है आदित्य कुमार उर्फ बिट्टू, नवलेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है, और इन्होंने स्वीकार किया है कि जो अपहृत लड़का था उसकी सत्यम, ये इनफैक्ट सगा ममेरा भाई है, और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया था, और पार्टी वगैरह करने के बाद इसकी गला घोट के हत्या कर दी गई थी और बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया था। फतवा इस संबंध में फतवा में एक मामला दर्ज हुआ था 29 अगस्त को, इस घटना के रिपोर्ट दो दिन पहले, जहाँ की गोविंदपुर जगह है गुनकुन नदी के पास एक बॉडी मिला था ट्रंक में, जो बॉडी मिला था वो इसी बालक का है, और इस संबंध में फतवा थाना में अज्ञात के ऊपर केस दर्ज किया गया था 302 का। तो इसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, राजीव कुमार जो कि जिस केस के कंप्लेनेंट हैं, नवलेश कुमार नवादा के रहने वाले, और आदित्य कुमार उर्फ बिट्टू